हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार का कट ऑफ देखने वाले हैं 2023 का, यानी कि 2023 में एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए क्या कट ऑफ रही थी वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो कट ऑफ है बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है, जो कि एसएससी के द्वारा रिलीज की जाती है। इस वीडियो में हम स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं कि किस स्टेट में और किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाता है और किस स्टेट का ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है, किस स्टेट का कम कट ऑफ जाता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। क्योंकि आपको ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए देता है वो, कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है। उसका एक क्रम होता है कि आपको कौन सी स्टेट पहले भरना है, कौन सी स्टेट बाद में भरना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फिर आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो जब भी आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, या आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी फ्रेंड है, अगर वो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने वाला है तो इस वीडियो को उसको जरूर दिखा देना कि भाई इस वीडियो को देख के जा कि किस स्टेट का कट ऑफ ज्यादा जाता है और किस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, किस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, किस स्टेट में कम वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए ज्यादा वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए कम वैकेंसी है। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और बताता हूँ आपको कि क्या कुछ चीजें रहने वाली है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आई होप कल आपका एग्जाम होगा, 1 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे होने वाले हैं। तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिए हैं ये वीडियो देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल बता देता हूँ कि हवलदार का जब आप फॉर्म भरेंगे, डिटेल ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन फॉर द ईयर ऑफ 2024। जब आप हवलदार के लिए, वहां पर क्या होता है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, एक कोड होता है, उसमें आपको ये नंबर डालने होते हैं 1 2 3 करके। इसका जो पूरी जो डिटेल है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है किस तरीके से वहां पर आपको यहाँ पर चॉइस देनी होती है। तो जब भी आप चॉइस दें तो ये इसका जो कोड है वो याद रख लेना। ठीक है, कोड आपको ऊपर मिल, इसके एक पीडीएफ होती है उसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप वैकेंसी देख लेना कि किस स्टेट में या किस जगह पर जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होती है वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यूआर के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे 133 है हैदराबाद में, 227 है कोलकाता में, मुंबई में 108 है, 223 है बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा में देखिए 223 है ना। इसके अलावा बात करें कि 132 है आपके डीपीजीएम में, सीबीएन में 101 है। तो ये कुछ हाईएस्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिली इस तरीके से। टोटल वैकेंसी 3439 निकली हुई है। इसके अलावा एमटीएस की बात करें तो उसमें आपकी 4800 समथिंग वैकेंसी निकली हुई है। टोटल आपकी 8300 प्लस ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इस वाले चार्ट को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने नोटिफिकेशन डाल लिया, नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप इसमें क्या करना है, एक खाली पेज लेना, खाली पेज में ये पूरे डाटा नोट कर लेना कि किस किस जगह पर वैकेंसी ज़्यादा है और चॉइस फिलिंग मुझे किस प्रकार से करनी है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए तो अब देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए तुरंत आपको अपडेट मिल जाया करेगी। ये मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, टेलीग्राम पर जाना, यहाँ पर सर्च बार में डालेंगे द एग्जाम हेल्पर तो जुड़ जाएगा। 16,500 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए, तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन और भी जो अदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जाके उसे ज्वाइन कर लेना। और एसएससी एमटीएस का आपने पूरा वीडियो नहीं देखा फुल नोटिफिकेशन का, तो वो भी चैनल पर मिल जाएगा, उसको देख लेना कि किस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन है, क्या कुछ डिटेल है, पूरा कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें बता रखा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा ना, इस वीडियो के बाद वो कौन से टॉपिक पर रहेगा, तो एसएससी एमटीएस के लिए बेस्ट वो क्या रहेगी, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी लास्ट 90 डेज के लिए, एसएससी एमटीएस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। तो उसके लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए। ये सारा हमारा डाटा है, ये हमारा मेन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये उसका टेलीग्राम है, ये हमारा एक सेकंड चैनल है जहाँ पर जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है, द एग्जाम हेल्पर जीके यूट्यूब चैनल है, और ये उसका टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आपकी जो कट ऑफ है, क्या कट ऑफ रही थी 2023 में, तो वो पूरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख रही हुई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट के लिए क्या कट ऑफ यहाँ पर 2023 में गई थी, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही साथ 2023 में कितनी वैकेंसी थी वो भी हम देखेंगे, और उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रही थी वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, उससे पहले बता दूं, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज आपको लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे ऑफर चल रहा है टेस्ट बुक पर, 30 जून तक ही ये ऑफर है। तो जल्दी जाइए अभी टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज के लिए। कल से आपको ये आज रात से ही 555 का देखने को मिल जाएगा, अभी आपको 399 का, इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देते हैं। तो इसका आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे आप जब परचेज करने जाएं तो इसका जो स्क्रीनशॉट है ये वाला भी कोड डाल देना, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आप जब इस मॉक टेस्ट को परचेस करते हैं तो इसमें ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, डिफेंस, सिविल, पुलिस, बीएड, नॉन टीचिंग, टीईटी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 18,000 से ज्यादा पूरे टेस्ट, जितने भी पेपर होते हैं वो सारे, उनके मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी इसी में आपको मिलेगा, देखिए एसएससी के जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, जैसे सीएचएस हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपी हो गया, ईएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, एसएससी के लिए सब आपको एक पास में मिल जाता है, जिसमें आपको एसएससी एमटीएस के कितने 692 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। इन 692 मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये देखिए, इन 692 में आपको क्या क्या मिलेगा, 211 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 45 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 16 फुल टेस्ट आपको मिलने वाले। इसके अलावा जैसे आप ये मॉक टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर के 158 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे और 252 के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक पास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, 399 का ये वाला कोड डाल देंगे तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको मालूम है 1 घंटे में आपको पेपर करना होता है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको ये परचेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पर होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से जाइए इसे परचेस कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं दे दूंगा। तो चलिए आप पूरा कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार, कब लिया था ये, 2023 में, ठीक है। और कि इसका पेपर होता है 1/9/2023 को 14/9/2023 तक, यानी कि 1 सितंबर से 14 सितंबर तक इसका पेपर चला था, तो लेटेस्ट ही ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला पेपर है, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री में ये का एग्जाम होता। इसके बाद द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए जो इसका एक रिजल्ट था वो यहाँ पर जारी कर दिया गया था, जिसके जिसमें यहाँ पर 7/11 को जारी कर दिया गया था, 7 नवंबर को, ठीक है। 2 महीने बाद इन्होंने पेपर, जो आपका रिजल्ट है हवलदार के लिए, केवल हवलदार के लिए जारी किया था। वेयर इन 4380 कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर एक हवलदार का अलग से कट ऑफ जाता है, यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जो कैंडिडेट यहाँ पर पीटी पीएसटी देने वाले और जिन्होंने हवलदार की पोस्ट सेलेक्ट की हुई थी, तो जिसमें से 4380 कैंडिडेट को बुलाया गया था और उनका जो कंडक्ट हुआ था वो 22 नवंबर को, ठीक देख सकते हैं आप, ये 7 नवंबर को आता है और उसी मंथ में लगभग 10-15 दिन के गैप में वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में आपका पीटी पीएसटी कंडक्ट करा देता है, जहाँ पर आपका कितने 3,100 3179 कैंडिडेट अपियर्ड होते हैं, उसमें से 3041 कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं। तो यानी कि इसका जो फिजिकल है वो नॉर्मल होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। देख सकते हैं आप 3100 में से 3041 लगभग 100-150 बच्चे बाहर हुए हैं, लगभग सभी को इन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया। देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज, फिर नॉर्मलाइजेशन से इनके मार्क्स आते हैं। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन द फॉर्म अफॉरमेंशनड एग्जामिनेशन हैव बीन रिसीव्ड इन 2 ग्रुप, आपको मालूम होगा एमटीएस के लिए जब वैकेंसी आती है तो 2 ग्रुप में आती है, 18 से 25 और 18 से 27, और दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर जाता है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर से क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, इसमें 2 सेशन होते हैं, एक होता है सेशन फर्स्ट, एक होता है सेशन टू। यहाँ पर आपका मैथ और रीजनिंग आता है जो कि आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल आपको इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, जो कि ये होते हैं यू आर को 30%, यानी कि आपका कितना होता है 120 नंबर का पेपर होता है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, जिसमें 60-60 मार्क्स होता है। इसका 30%, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 30%, कितना होता है दोस्तों इसका, ये हो जाएगा आपका 36 नंबर, 36 नंबर यू आर को लाने, 25 1/4 है ना, 1/4 लाओगे तो 30 मार्क्स आपको ओबीसी और एडब्ल्यू को, और इसके कितना 20% ऑल अदर कैटेगरी, यानी कि 1/5 है ना, तो कितना हो जाएगा 24 मार्क्स। तो ये आपको क्या होते हैं लाने होते हैं 36 यूआर को, 30 इसको 24, अगर आप ये ले आते हैं तो आपका सेशन फर्स्ट जो है क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो सेशन टू है, जहां पर आपका जीके और आपका इंग्लिश पूछा जाता है, ये आपका डिसाइड करता है कि आपका जो मेरिट बनेगी इसके आधार पर होती है, और इसी के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। ये चीज वही लिखी है कि दैट कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन सेशन फर्स्ट ऑफ सीबी वर नॉट एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेशन सेकंड, यानी कि जिन्होंने अगर वो यही पास नहीं कर पाते हैं तो उनका ये काउंट ही नहीं होता, आपको पहले ये पास करना फिर इसका कैलकुलेशन होगा और फिर इसे हटा के इसके ऊपर मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं कि पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है कितनी कितनी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यानी कि 2023 में वैकेंसी कितनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 18 से 25 एज ग्रुप में कैटेगरी वाइज ये आपको दिख रही होगी, टोटल थी 1186, और एमटीएस के 18 से 27 ग्रुप में कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी टोटल थी 206, और हवलदार में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी वो थी आपकी 396। टोटल जो वैकेंसी थी 1788 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। इसके बाद बोला है कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यहाँ पर केवल एमटीएस के लिए बताया गया कि एमटीएस के लिए कितने क्वालिफाई करे, टोटल पोस्ट कितनी थी 1788 दोनों को मिला के, है ना। और एमटीएस में कितने क्वालिफाई किए इन्होंने, देखिए 18 से 25 में 1186 यानी कि पूरे के पूरे ले लिए हैं, और 18 से 27 में 206 यानी कि 206 के 206 यहाँ पर ले लिए, तो टोटल 1392 यानी कि एमटीएस का तो कोटा पूरा कर दिया। वहीं अगर देखें कि जो हवलदार की 396 वैकेंसी थी उसमें कितने बच्चे इन्होंने बुलाया, तो हवलदार के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार 394, केवल दो कैंडिडेट को यहाँ पर लेफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं 396 वैकेंसी थी, 394 दो कैंडिडेट को यहाँ पर रोक दिया गया था, बाकी सभी को यहाँ पर बुला लिया गया था। और पास कितने लोगों ने किया था, 3041 ने, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम्स यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं उनको पास करना होता है फिजिकल में, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा सिनेरियो रहता है ना। तो ये आपको चीजें समझोगी कि कितनी वैकेंसी थी, कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड करे थे, ठीक है। लास्ट ईयर वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ भी हमें हाई देखने को मिला था। क्या कट ऑफ रहा था तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि कट ऑफ क्या रही थी यहाँ पर। ओके ये देखिए, ये रही आपकी कट ऑफ, ये है आपकी कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग स्टेट की यहाँ पर कट ऑफ पूरी दिखिए, और पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, ज़्यादा हड़बड़ी में मत देखिएगा, आराम से देखेंगे समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने बोला ना जब आप फॉर्म भरने आएंगे तो ये कोड डालना होता है आपको, स्टेट या यूटी का कोड। तो इस कोड को आपको जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से चेकबॉक्स बने होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर चेकबॉक्स बने होते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर बनने पड़ेगा, जैसे 72 पहले ले लिया, 30 पहले ले लिया, 1 पहले ले लिया, 2 पहले ले लिया, 5 ले लिया, 80 ले लिया, इस तरीके से कोड आपको डालने होते हैं उसमें। तो ये देख सकते हैं आपने ये कोड नोट कर लेना कि किस स्टेट का कम ज़्यादा, और उसके आगे कोड डालना कि पहले नंबर पर मुझे जैसे 72 नंबर बना है, दूसरे नंबर पर मुझे 61 नंबर डालना है, तीसरे नंबर पर मुझे 12 नंबर डालना है, चौथे नंबर पर मुझे 50 नंबर डालना है। तो इस तरीके से कोड सारे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोड है तो ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया का जो कोड है वो 72, ये तो आपको डालने का, सारे आपको फिल करना है, ऐसा नहीं कि केवल आपको जहाँ कट ऑफ कम जा रही है वही फिल करना है, सारा आपको फिल करना, बट कट ऑफ जहां कम जाती है उसको पहले प्रेफरेंस देंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझे। चलिए, और इस बार वैकेंसी भी काफी अच्छी है, 8300 प्लस वैकेंसी है, और इसमें इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, लगभग वैकेंसी 10 से 1000 से ऊपर जाने वाली, 10 से 12 हजार ही होने वाली, ठीक है। चलिए तो ये देख लेंगे एज लिमिट कौन सी, 18 से 25 का ग्रुप है, इसके बाद 18 से 27 ग्रुप आएगा। तो ऑल इंडिया के लिए जो कट ऑफ गया था यहाँ पर यूआर में वैकेंसी एक ही थी, फील्ड भी एक ही करिए, 147 यहाँ पर जो सेशन टू है वो कट ऑफ आपका गया था। जीए में जो मार्क्स इन्होंने गेन किए थे वो 62 के थे, और सेशन फर्स्ट में जो उनके मार्क्स थे वो 99 थे। मैं फिर बोल रहा हूँ सेशन फर्स्ट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो देखिए बंदा कितने भी ला सकता है, बट मिनिमम जो हमें था 36 24, है ना, और कितना था, 36 था, 24 था, और कितना 1/4 था ना, 30, 36, 30 और 24, ये आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने थे, और उन्होंने तो काफी ज्यादा ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में, बट इतने ले आए तो आपका ये वाला जो सेशन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसमें डेट को भी देखा जाता है, अगर दो लोगों के नंबर समान है तो वहां पर आपकी डेट भी चेक की जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। ओके चलिए, तो इसके बाद अंडमान निकोबार का देख लेते हैं, जहां पर केवल यूआर की पोस्ट थी 18 से 25 में, दो वैकेंसी थी, दो को फिल्ड किया गया, कट ऑफ गया था 134.57। आपको ये वाला कट ऑफ देखना है क्योंकि आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये देखिए यहाँ पर केवल आपको 36, 30 और 24 नंबर लेके आना है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, यूआर को, ओबीसी, डब्ल्यूएस को और SC ST को, जितने नंबर लाओगे ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये इतने तुम कितने भी ले आओ, 150 में से 150, 120 में से 120 ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं है, इतने ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ केवल आपको पास करना, ये सेक्शन पूरा केवल आपको पास करना है, यहाँ ये कोई मतलब नहीं है। मेरिट जो बनी है ना वो यहाँ से बनी हुई है आपकी, कहाँ से, यहाँ से सेशन टू से बनी हुई, जिसमें आपका जीके और इंग्लिश आता है, क्या आता है, जीके प्लस इंग्लिश आपका आता है इसमें, इस सेक्शन यहाँ से कट ऑफ बनी है, जो कि आपका आता है 150 नंबर का। तो 150 में से आप कट ऑफ देख सकते हैं, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है, जो ये कट ऑफ आती है कितने में से आती है वो, ठीक है, हम सेशन फर्स्ट को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पर आउट ऑफ 150 ये कट ऑफ बनी है, ठीक है, क्योंकि आपका 75 नंबर का आता है जीके, प्लस 75 नंबर का ही आपका क्या आता है, इंग्लिश सेक्शन आता है, तो 150 नंबर का आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 147 कट ऑफ हुई ऑल इंडिया की, और अंडमान निकोबार में यूआर की कट ऑफ 134 गई है 150 से। आंध्र प्रदेश की बात करें, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है 131,
और आंध्र प्रदेश में एससी की कट ऑफ की बात करें 132, ईएसएम की बात करें एक्स सर्विसमैन की 123, ओबीसी की बात करें 133 और यूआर की बात करें 133 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली है 150 में से। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो केवल एक ही वैकेंसी थी यूआर की, तो वहां पर उन्हें 134 कट ऑफ देखने को मिली है। असम में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 102 है, ओबीसी की 134 है, यूआर की आप देख सकते हैं 135 है, बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, जहां पर जितनी वैकेंसी है जे स्टेट है और किस स्टेट में किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी वो यहाँ पर बताया गया, कितनी वैकेंसी थी कितनी फील्ड गई वो भी बताया गया और किस कट ऑफ पर फील्ड की गई है वो भी पूरा डाटा दिया गया। ये कट ऑफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहां से आप अवेल कर लेना। ठीक है, पर पहले इसको समझ लो किस तरीके से कट ऑफ बनता है। बिहार में देख सकते हैं ओबीसी की केवल एक वैकेंसी थी जिसके लिए 152 कट ऑफ चला गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सिनेरियो आपको समझ में आएगा कि 152 कैसे कट ऑफ चला गया, क्योंकि तो पेपर तो 150 का ही है, 152 कैसे चला गया। ये इस वजह से गया कि हो सकता है इसके नंबर 140 हो, 135 हो, 145 हो, 148 हो, 125 भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इन्होंने ऊपर बोला था कि मल्टीपल शिफ्ट में, एक आपका सितंबर से पेपर स्टार्ट था जो कि 14 सितंबर तक चला था, है ना, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक, तो कई सारी शिफ्टों में इसका पेपर होता है, 30 से 40 शिफ्ट में पेपर होता है, जहां पर ये लोग नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों, 20 से 30 नंबर तक बढ़ते हैं, किसी के 10 से 20 बढ़ते हैं, किसी के 5 से 6 बढ़ते हैं, किसी 2-3 बढ़ते हैं, किसी के माइनस में चले जाते हैं, तो यहाँ पर नंबर क्या काफी संख्या में बढ़ जाते हैं, इसलिए जो कट ऑफ जो 150 था उससे भी ऊपर ये कट ऑफ चला जाता है। मान के चलिए इस बंदे के अगर 142 नंबर थे और इसके अगर 10 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन बढ़े तो हो गया ना 152, तो इस तरीके से कट ऑफ डिसाइड करती है। तो आप देख सकते हैं केवल एक ही बंदे को सेलेक्ट किया, उसके 152 नंबर यहाँ पर रहते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई थी 138, एससी के लिए बात करें 139 और यूआर के लिए बात करें 146। और ये फिर बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, यानी कि जो आपको मार्क्स लाने हैं, जो ये आप कट ऑफ देख रहे हैं जिस भी स्टेट की, उससे 10-5 नंबर कम भी लाएंगे तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इवन किसी किसी जगह पर 20 से 30 नंबर भी आप कम लाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी में क्या पेपर काफी हार्ड आया था तो उसको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इससे थोड़ी कट नंबर कम लाएंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का 132, एससी का 131, एसटी का 127, ईएसएम का 104, ओएचएचएच बाकी आप देख सकते हैं, ओबीसी का 134 गया था और वीएच का 133 और पीडब्ल्यूडी अदर्स का 124 और यूआर का कट ऑफ 135 गया था। देख सकते हैं 150 में से 135। ठीक है, पर एक्चुअल जो कट ऑफ होगी 125 के अराउंड ये कट ऑफ होगी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये जीए में मार्क्स देख रहे हो, 51 मार्क्स थे इस लड़के के, जो भी लड़का था 51 मार्क्स थे, तो काफी अच्छे मार्क्स हैं जीए में, वो भी 75 नंबर में से। ओके, चलिए बात करें गोवा में, केवल एक ही वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस की, इसके लिए 132 कट हो गया। गुजरात की बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए 132, एससी के लिए 135, एसटी के लिए 127, ओबीसी के लिए 133, यूआर के लिए आपका 135। ठीक है, हरियाणा की बात करें, ईडब्ल्यूएस 137, एसटी का 145 देख सकते हैं, मतलब एसटी का यहाँ देखिए 127 गुजरात में, वहीं हरियाणा में आप चले गए एसटी के लिए तो 145 हो गया, तो कितना फर्क आ गया आप देख सकते हैं कट ऑफ में, है ना, देख सकते हैं आप। यूआर की बात करें तो हरियाणा में 142 कट ऑफ, हिमाचल प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का 136, ओबीसी का 136, हिमाचल प्रदेश में यूआर का 138, तो लगभग सेम ही है देखिए सभी का। जम्मू एंड कश्मीर में ईडब्ल्यूएस का 134, एससी का 132, ओबीसी का 134 और यूआर का 135 कट ऑफ देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की झारखंड में बात करें तो 138, एससी की बात करें तो 135, ईएसएम की 111, ओबीसी की 138। इसके बाद झारखंड में बात करें, आपका यूआर की कट ऑफ गई थी 139। कर्नाटका की बात करें, ईडब्ल्यूएस का 131, एससी का 130, ईएसएम का 110, ओबीसी का आपका 133, यूआर का 132 कट ऑफ देखने को लिए। देख सके यूआर का ओबीसी से कम गया कट ऑफ। ठीक है, तो किसी किसी जगह में यूआर का कम चला जाएगा, ओबीसी का ज्यादा चला जाएगा, एससी का कम चला जाएगा, वहाँ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी 10 थी और यूआर की ज्यादा थी, इसलिए ये कट ऑफ थोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिले थे। केरला में बात करें, ईडब्ल्यूएस का 130, ईएसएम का 116, एचएच का ये, ओबीसी का कट ऑफ नहीं था दिया है इन्होंने, है ना, और वीएच यूआर का नहीं, यूआर का देख लेते, यूआर का 137 कट ऑफ है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें, एससी का 130, ओबीसी का 134, यूआर का 134। ओके, ये कोड ध्यान रख लेना कि किसका कम जा रहा है, तो उसका कोड आप नोट कर लेना, किसका हाईएस्ट जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिलअप करने है तो वहाँ पर देखना। एमपी का देख लेते हैं, एमपी में एससी का कट ऑफ गया था 135 आउट ऑफ 150, एसटी का गया था 132, ओबीसी का गया था 139, यूआर का गया था 140। महाराष्ट्र की बात करें, ईडब्ल्यूएस का गया 132, एससी का गया 133 और एसटी का गया 127, ईएसएम और ओबीसी का 116, 133, बाकी आप देख सकते हैं अदर कैटेगरीज का। महाराष्ट्र में यूआर का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 133। मणिपुर की बात करें, केवल एक पुष्ट थी यूआर के लिए, वो भी 135 गया। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी, दैट इज ईडब्ल्यूएस का 131, ई एस सी का 130, एसटी का 127, ईएसएम का
101 OH का ये देख सकते हैं, OBC का 133 और आपका UR का 133 कट ऑफ गया था। ठीक है, अभी बताऊंगा ये इतना हाई कट ऑफ किस तरीके से गया है, इस बार इतना नहीं जाएगा, इस बार इससे काफी कम कट ऑफ रहने वाली है। ओके, वो भी बताऊंगा। मिजोरम का OBC का 133, UR का 133, SC का 130, ठीक है, नागालैंड में। ओके, उड़ीसा की बात करें तो EWS 132, SC का 134, उड़ीसा में ST का 128, और यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC का उड़ीसा में 134 और UR का उड़ीसा में 135 कट ऑफ देखने मिली। पंजाब की बात कर लेते हैं, EWS का 134, SC का भी 134, ST का 138, देख सकते हो SC से ज्यादा ST का चला गया, क्यों? वैकेंसी का फर्क पड़ता है। UR का देखिए 137, ST से भी कम है UR का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीजों की जितनी वैकेंसी होंगी उतना ही कट ऑफ जाता है। ऐसा नहीं कि कैटेगरी अगर आपके पास है तो आपका कट ऑफ कम चला जाएगा, नहीं, जितनी वैकेंसी है उसी उसी के अनुपात में यहाँ पर कट ऑफ भी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें, EWS का 133, SC का 132 देख सकते हैं, ST का 138 और OBC का 135 और UR का 136। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फिर यहाँ पर राजस्थान में 138 हमें कट ऑफ देखने को मिली, फिर से ST की कट ऑफ ज्यादा हमें देखने को मिली, क्यों? वैकेंसी कम है, ST की एक वैकेंसी है जबकि UR की 17 वैकेंसी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप चीजों को। तमिलनाडु की बात करें, EWS का 130, SC का 131, ST का 126 हमें देखने को मिला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कंबाइंड है। और यहाँ पर OBC की बात करें 133, UR की बात करें 132, देख सकते हैं वो OBC से भी कम चला गया, क्यों? वैकेंसी 52 है, OBC की केवल 19 वैकेंसी है। इस तरीके से तेलंगाना की बात करें, EWS की तो 130, SC की 130, ST की 127 और यहाँ पर OBC की 132, UR की 132, है ना, इस तरीके से। दोस्तों बाकी जो अदर कैटेगरी है ना, ESM OH ये आप देख लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ। त्रिपुरा की बात करें, OBC का 133, UR का 135 और उत्तर प्रदेश आए थे, उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है, EWS का 144, OBC का 145, UR का 145, बाकी की वैकेंसी नहीं थी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, EWS का 132, SC का 132, ST का आपका 127 और यहाँ पर OBC का 134 और UR का 135 कट ऑफ देखने को मिली। वेस्ट बंगाल देख लेते हैं दोस्तों, EWS का 133, SC का 138, ST का 135 और यहाँ पर OBC का 134, UR का 138 कट ऑफ देखने को मिली है। अंडमान निकोबार में OBC की देख लेते हैं तो 141, आंध्रा में देख सकते हैं। अब देखिए अभी अंडमान फिर से आ गया, पहले मैं ऊपर बता चुका था बट यहाँ से चीजें चेंज हुई, क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बदल गया, देखिए एज ग्रुप बदल गया, 18 से 27 का एज ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? 18 से 27 वाला, अभी ऊपर चला था 18 से 25, अभी 18 से 27 वाले एज ग्रुप के जो होंगे बच्चे उनके लिए एक अलग से कट ऑफ दिया जाता है। तो क्या कट ऑफ रहा है आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, EWS का 133, ST का 126 और OBC का 133, UR का 134 और ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का हो गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, EWS का 132, OBC की बात करें 133, UR की बात करें 138। तो आप जिस कैटेगरी वाले क्राइटेरिया में आते हैं उसका आप कट ऑफ देखना। ठीक है, असम की बात करें, केवल SC और OBC में वैकेंसी थी, यहाँ पर 134 और 136 कट ऑफ देखने के लिए। बिहार में UR की वैकेंसी थी 146, दिल्ली में EWS 133, SC का 133, ST का 128 कट ऑफ देखने को मिला। वहीं बात करें इसका OBC की बात करें 133, UR की बात करें 135। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं, EWS का 134, SC का 134, OBC का 142 और UR के लिए 135 कट ऑफ बंद देखने को मिली थी। झारखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर SC का 134, OBC का 140 और UR का 143 कट ऑफ हमें देखने को मिली हुई है। इसके बाद बात करें कर्नाटका की बात कर लें, UR में 136 और SC में 130, ये MP की बात है ना, MP में SC की वैकेंसी के लिए 133 कट ऑफ, UR के लिए 138 कट ऑफ देखने को मिली। महाराष्ट्र में EWS का 133, ST का 130, OBC का 133, UR का 135। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं मणिपुर, मणिपुर में केवल EWS की वैकेंसी थी, यहाँ पर 132 कट ऑफ गया। मेघालय की बात कर लेते हैं तो SC का कट ऑफ था 130, ST का कट ऑफ था 126, UR का कट ऑफ था 134। मिजोरम की बात कर ले, UR का 134 था। नागालैंड की बात कर ले, UR का 134 था। राजस्थान की बात करें, EWS 133, ST 136, OBC 134, UR का 135। देख सकते हैं फिर सभी कैटेगरी से ज्यादा किसका कट ऑफ है, ST का, क्यों? क्योंकि एक ही पोस्ट है, बाकी में देखिए यहाँ पांच है या तीन है ना, तो कितना कट ऑफ का अंतर पड़ता है जब वैकेंसी कम होती है तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु का, पुडुचेरी का कट ऑफ गया था OBC के लिए 138, तेलंगाना के लिए ST का कट ऑफ गया था 126, OBC का कट ऑफ गया था 134। इसके बाद तेलंगाना में UR का कट ऑफ दिया नहीं है। त्रिपुरा की बात कर ले, OBC का कट ऑफ गया था 134, उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं SC का 141 कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ है। ST की बात करें 135, OBC की बात कर लेते हैं 144, UR की बात कर लेते हैं 145, कितना हाईएस्ट कट ऑफ गया, ठीक है, देख सकते हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें, EWS 139, SC की बात करें 136 और UR की बात करें 139। अब देखिए जहां पर वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, जैसे 11 वैकेंसी है वेस्ट बंगाल UR की तो 139 है, वहीं उत्तर प्रदेश में UR की केवल 2 वैकेंसी तो 145 कट ऑफ चलेगा। ओके,
जैसे तेलंगाना में बात करें, यूआर की वैकेंसी है एक, यहाँ पर दिया नहीं, छोड़ो, यहाँ राजस्थान में यूआर की वैकेंसी है तीन, तो 135 कट ऑफ चला गया। तो ये आप कट ऑफ देखेंगे और किस आपके स्टेट में कम कट ऑफ है और किस स्टेट में आपके वैकेंसी ज़्यादा है, उस स्टेट से ही फॉर्म फिलअप करिएगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। अब बात कर लेते हैं हवलदार के कट ऑफ की, कि हवलदार का कट ऑफ क्या था। तो हवलदार का कट ऑफ पूरा डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अलग अलग मैंने बताया ना, पोस्ट वाइज अलग अलग जाएगा, तो अलग अलग है, यहाँ पर पूरा देख लिए। देखिए, डिटेल ऑफ पोस्ट HSCG हवलदार CGST में, हवलदार कस्टम्स में से, और HDI का हवलदार डायरेक्टरेट, ठीक है, ओके, समझ गए। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, कि ये कट ऑफ हाई क्यों गई। हाई कट ऑफ इसलिए गई, हम अभी आगे हवलदार का बताने वाले, हाई कट ऑफ इसलिए गई क्योंकि भाई वैकेंसी काफी कम थी, समझ रहे, 1700 कुछ वैकेंसी थी, ठीक है, 1788 कुछ वैकेंसी, कितनी थी मैं ऊपर बताया था आपको, देखिए है ना, ऊपर आपको वैकेंसी दिखाया था कि टोटल कितनी वैकेंसी थी, ठीक है, देखिए टोटल कितनी है, 1788, ठीक है, वही वैकेंसी जो बता रहा था ना, 1788 वैकेंसी थी, इसलिए थोड़ी कट ऑफ हाई चली गई आपकी यहाँ पर, ठीक है, क्या समझे, 1788। इस बार कितनी वैकेंसी है दोस्तों, 8300, तो 17 51, 17 5 85, लगभग 5 गुना आप मान सकते हैं, ठीक है, तो इस बार 5 टाइम वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलेगी इस बार, समझे, कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, इससे तो काफी कम मिलेगी, और ये नॉर्मलाइज है। तो आप अगर कितने मार्क्स लेकर आए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए 2024 में, क्या स्ट्रेटजी बना के रहना चाहिए, तो इसके लिए अगर अलग से एक वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए चैनल पर जुड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे एक वीडियो बता दूंगा कि अगर आप इतना सेफ स्कोर कर लेते हैं 2024 में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये भी देखिए कोड, CCA के कोड अलग अलग, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो एक कोड जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा कोड की क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है, टेलीग्राम पर अभी मैं डाल दूंगा PDF, वहां से ले लेना, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, औरंगाबाद में HSCG ये पोस्ट है, ये कैटेगरी, कैटेगरी हम देखेंगे और स्टेट देखेंगे, ठीक है। चलिए, औरंगाबाद में देख सकते हैं आप, ये भी आपको देखना होता है उसमें, ये भी ये और स्टेट देखनी होती, ठीक है, तो औरंगाबाद में EWS का कट ऑफ गया था 131, ये इसको फिर से निगलेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्वालिफाइंग, ठीक है, हमको केवल इससे मतलब है, 150 में से कितने आप ला रहे हो इससे मतलब है, ये फर्स्ट वाला जो 120 का है इसमें से कुछ मतलब नहीं है, इसमें केवल वही 36 30 और 24 नंबर लगे, ठीक है। औरंगाबाद में SC की कट ऑफ जो गई थी वही थी 131, औरंगाबाद में OBC की कट ऑफ गई थी 132, औरंगाबाद में UR की कट ऑफ गई थी 132 हवलदार के लिए, ओके। चलिए, भोपाल की बात कर लेते हैं, EWS के लिए 134, SC के लिए 133, SC के लिए 135, भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं कि उड़ीसा की EWS 135, UR की 142, चेन्नई की बात करें EWS 131, SC की 128, ST की 123 और OBC की 132 और UR की 134, दिल्ली की बात कर ले OBC की 155, हाईएस्ट कट ऑफ देख सकते हैं आप, दिल्ली का काफी हाई चला गया, यूआर का देख लो 153, ओबीसी से कम, क्योंकि एक एक वैकेंसी थी इसलिए कट ऑफ काफी हाई चला गया, और 150 से ऊपर इसलिए हो गया, फिर बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इम्पैक्ट किया है, ठीक है। चलिए, गुवाहाटी में देख लेते हैं, EWS का 132, SC का 132, ST का 122, और इसके बाद बात करें अलग कैटेगरी का आप देख लेना, ओबीसी का यहाँ पर 133 और यूआर का भी 133 कट ऑफ देखने मिला। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, EWS का 131, SC का 128 और UR का आपका 133। इस बार जयपुर की बात कर रहे तो EWS का नहीं दिया, SC का नहीं दिया, OBC की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए वैकेंसी हटा दी है इसलिए उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया, एक एक वैकेंसी थी उन्होंने, जो दो वैकेंसी कम दी थी ना हवलदार की, वो यहीं पर मेरे को लग रहा है उन्होंने हटा दी, ठीक है, इसलिए OBC की दो वैकेंसी थी जिसमें 155 कट ऑफ चलेगी जयपुर में, भाई 155 150 में से, ठीक है, देख लो, और UR की कट ऑफ 142, OBC की देख रहे हो 155, UR की 142। लखनऊ की बात करें EWS 135, SC की 131, ESM की 123 और OBC की 135, UR की 136, लखनऊ की भी काफ़ी आई है। मुंबई की बात कर ले SC की 128, मुंबई में कम है, ST की 125 और OBC की 132, मुंबई में UR की बात करें 133। पुणे की बात कर लेते हैं, SC की 133, ST की आपकी 120। बड़ोदरा की बात कर लेते हैं, EWS का 130, SC का 127, ST का 123 है ना, तो बड़ोदरा का कम जाता कट ऑफ, वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसको वैकेंसी को देख के भरना कट ऑफ, ठीक है, जो भी आप फॉर्म भरें वैकेंसी को देख के और लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या रही थी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करिएगा। OBC के 131 और UR का भी 132, ठीक है, कम ही रहता है। बोले चलिए, चेन्नई की बात कर लेते हैं, यहाँ पर SC की वैकेंसी है 129, कोलकाता की बात कर लेते UR की वैकेंसी है 144, मुंबई की बात कर ले EWS 132, SC की बात कर ले 128, ST की बात कर ले 125, मुंबई में ESM 121, OBC 132 और विशाखापट्टनम में UR की वैकेंसी है 136। अब ये CBN में निकलती है और DGPM में निकलती है, ठीक है, तो CBN में SC की कट ऑफ 130, ST की 122 और UR की कट ऑफ 132 देखने को मिली।
जीपीएम की बात करें, ईडब्ल्यूएस की 131, एससी की 127, एसटी की 122, ईएसएम की 109, ओबीसी की 131 और यूआर की 132 कट ऑफ देखने को मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या कुछ पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, कौन सा आपको कोड फिल करना है, ठीक है, कोड को विशेषकर नोट कर लीजिएगा, कोड आपको सही फिल करना है। दूसरी चीज जो आपको सही फिल करना है, स्टेट सही फिल करना है कि किस स्टेट में कम कट ऑफ जाती है, क्योंकि वहाँ कोड प्रेफरेंस देनी होती है, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके जो नंबर है वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ क्या रहा था वो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे और इस साल की जो वैकेंसी है, वैकेंसी ऑफ 2024 किस जगह कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, इन चार चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो सिलेक्शन में लगभग 20 से 30% सिलेक्शन का काम तो यही हो गया, क्योंकि आपने यहीं से शुरुआत से ही अपना जो स्कोर है उसको कम करने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। तो शुरुआत से ही आप पिकअप लेके चलेंगे अगर आप इस तरीके से फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने पूरा कट ऑफ आपको बता दिया यहाँ पर, है ना, ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा इस पीडीएफ को, ओके, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, ये मॉक टेस्ट जरूर परचेस कर लेना, क्योंकि मालूम है आपको पेपर ऑनलाइन आपका होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेना, ये मेरा चैनल है, ये मेरा दूसरा चैनल है, ये टेलीग्राम है, दोनों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक बेस्ट स्टडी एसएससी के एमटीएस स्कोरिंग टॉपिक्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें रहने वाली, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।